इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स इन गिवन डायरेक्शन। इससे पहले की वीडियो में हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास पी फोर्स गिवन है, क्यू फोर्स गिवन है और इनके बीच में एंगल अल्फा है, तो हमें पी गिवन है, क्यू गिवन है, अल्फा गिवन है, हमें आर निकालना है, जो इनका रिजल्टेंट होगा वो निकालना है। इस गिवन टॉपिक में आपके पास एक फोर्स आर गिवन होगा, एक रिजल्टेंट गिवन होगा और ये भी गिवन होगा कि वो क्या एंगल्स बना रहा है बाकी दोनों के साथ, पी और क्यू फोर्स के साथ वो एंगल्स मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा बना रहे हैं। पी फोर्स हमारा ये है, क्यू फोर्स हमारे पास ये है, तो गिवन क्या होगा, एक ये एंगल अल्फा बना रहे हैं, ये एंगल मान लेते हैं बीटा बना रहे हैं। सो गिवन है कि एक रिजल्टेंट आर गिवन है और अल्फा और बीटा ये एंगल्स गिवन है। हमें आर को रिजोल्व करना है दो पार्ट्स में, तो इसके दो कंपोनेंट्स क्या होंगे बेसिकली। इस केस में तो पी और क्यू को मिला के आर बना था, इस केस में आर को स्प्लिट करके दो फोर्सेस बनेंगे पी एंड क्यू। हमें वो पी और क्यू का एक्सप्रेशन देखने की, पी और क्यू का एक्सप्रेशन क्या होगा। सो देखते हैं, हमें डायरेक्ट याद रखना है इसे। ये मान लीजिए कि आपके पास कोई फोर्स पी है, ये मान लीजिए कोई फोर्स क्यू है, ठीक है, और इनका जो रिजल्टेंट है वो आर है और ये रिजल्टेंट हमें गिवन है और ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा, ठीक है। तो हमारे पास जो P के लिए एक्सप्रेशन होगा, P होगा R टाइम्स साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा। जैसे कि अगर हम ध्यान से देखें तो P का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, P का मैग्नीट्यूड होगा R टाइम्स साइन बीटा, जो Q के साथ एंगल है वो आएगा साइन बीटा, डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। और Q क्या होगा आपके पास, Q होगा R टाइम्स साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये दो पी और क्यू फोर्सेज हो गए आपके पास गिवन। हमारे पास आर होगा, अल्फा होगा, बीटा होगा। सो इसका एक स्पेशल केस है कि अगर आपके पास जो अल्फा प्लस बीटा है वो 90 डिग्री है, अल्फा प्लस बीटा कितने है 90 डिग्री है, तो उस केस में देखते हैं क्या होगा। ये फोर्स पी गिवन है, ये फोर्स आपके पास क्यू गिवन है और ये कोई रिजल्टेंट गिवन था, इसकी वैल्यू गिवन होगी, ये क्वेश्चन मार्क है और ये क्वेश्चन मार्क है, और ये एंगल आपके पास है मान लो कि अल्फा और ऊपर वाला एंगल है बीटा। सो ये अल्फा बीटा हो गए, हमें गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री के इक्वल है। सो पी किसके इक्वल होगा, आर इंटू साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है 90 डिग्री के इक्वल। सो और बीटा किसके इक्वल है 90 माइनस अल्फा के इक्वल। सो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को तो 90 पुट करेंगे और बीटा को पुट करेंगे 90 माइनस अल्फा, तो ये आपके पास बनेगा P इक्वल टू R टाइम्स साइन 90 माइनस अल्फा अपॉन साइन 90। सो ये आपके पास होगा R इंटू कॉस अल्फा अपॉन 1। सो P की वैल्यू आपके पास ये आ गई, ठीक है। अब अगर हम बात करें Q क्या होगा, तो Q के लिए एक्सप्रेशन होगा आपके पास R साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, ये होगा साइन अल्फा, ठीक है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 90 डिग्री है, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो आपके पास क्या होगा R इंटू साइन अल्फा। तो Q के लिए एक्सप्रेशन हो गया R टाइम्स साइन अल्फा और P के लिए एक्सप्रेशन हो गया R टाइम्स कॉस अल्फा। सो फाइनली हमारे पास क्या रिजल्ट है, अगर हम पूरी वीडियो को कंक्लूड करें कि गिवन रिजल्टेंट को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, पी और क्यू पार्ट में, ठीक है। और उनके एक्सप्रेशंस क्या होंगे, पी का एक्सप्रेशन होगा आर टाइम्स साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, और क्यू का एक्सप्रेशन होगा आर टाइम्स साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, राइट। सेकेंड, अगर मान लीजिए कि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, कोई फोर्स है उसको आप रिजॉल्व कर रहे हो अलोंग एक्स एक्सिस या फिर अलोंग वाई एक्सिस, तो उस केस में उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, पी इक्वल टू आर कॉस अल्फा और क्यू इक्वल टू आर साइन अल्फा, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिसे हम काफी ज्यादा यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।